हम सबसे पहले कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और ऐसे अपने हाथों को ऐसे जितना आप तान सकते हैं ऐसे अपनी उंगलियों को ऐसे तानिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 5 सेकेंड ऐसे ही रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही आपने अपने हथेलियों को 8 से 10 बार अप डाउन करते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने हाथों की मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और ऐसे अपनी मुट्ठियों को गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे 5 to 10 times क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर एंटी क्लॉकवाइज। और फिर इसके बाद ऐसे अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ करते हैं और ऐसे अपनी हथेलियों को कंधों के पास रखें। ऐसे ही 8 से 10 बार अब आगे पीछे करें और फिर कंधों के पार्श्व भागों में। और फिर इसके बाद हम अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रख लेते हैं, दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने कोहनियों से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। ऐसे 5 times घुमाइए फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर सीधे इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से रख लेते हैं और एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचिए, आपकी कुहनी ऐसे आपके सिर के पास रहे। 5 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे सीधे और फिर ऐसे दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे खींचते हैं। 5 से 10 सेकेंड ऐसे ही रुकें। जिन लोगों के अक्सर कंधे जाम हो जाते हैं, जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर की शिकायत होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने हाथ को ऐसे अपनी राइट कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। 5 सेकेंड रुकें और फिर सीधे भी दूसरी साइड से ऐसे अपनी हथेली को ऐसे अपनी कनपट्टी के पास रख लें और सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालिए। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, प्लैंक अभ्यास को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। प्लैंक अभ्यास एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे संपूर्ण शरीर पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही आपने वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं, ऐसे अपने पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा करते हुए 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों यह अभ्यास देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे होल्ड करके प्रैक्टिस करते हैं तो यह एक चैलेंजिंग पोस्चर है। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज होती है। यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है। और फिर इसके बाद हमने ऐसे साइड प्लैंक की पोजीशन पर आते हैं, अपने शरीर का समस्त भार अपनी हथेली पर और अपने पैर पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ भी स्ट्रेच करने की कोशिश करें और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही साइड प्लैंक की पोजीशन पर रहते हैं। ऐसे ही एक साइड से करने के बाद फिर दूसरी साइड से कीजिए, ऐसे सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटा लें, ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें।
ऐसे सीधे देखते हैं या फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से एक फीट का ऐसे स्पेस रख लें और फिर ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।